हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भिड़ंत होने वाला है 2 बजे। कैसा मैच रहेगा, कौन जीतेगा, ये तो मैच होने के बाद का बात है। बट अभी से पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान यूट्यूबर वहाँ के पब्लिक से पब्लिक का व्यू ले रहा है, तो कुछ कुछ तो पब्लिक बोल रहा है कि पाकिस्तान का 200 रन बनाने के बाद टांगे कांपने लगेगा और अभी से हार डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, खेल में गेम में उलट पलट कभी भी हो सकता है। तो आज देखिए, साउथ अफ्रीका का मजबूत टीम है, उससे पाकिस्तान की भिड़ंत है। पाकिस्तान का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है और के बनस्पत, पहले बहुत अच्छा रहता था। तो उसने, पाकिस्तान का टीम ने मायूस किया है अपने पब्लिक को, अपने नागरिक को, अपने आवाम को मायूस किया है। तो मायूस करने के बाद जो गुस्सा निकलता है, उसी के रूप में पब्लिक उसी से बात इस तरह का करता है। तो मायूस किया है, हो सकता है कि कभी भी किसी टाइम कुछ हो सकता है। तो साउथ अफ्रीका से के साथ जो टक्कर होगा वो ज़बरदस्त टक्कर होगा। इसमें उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि पाकिस्तान भी जम के खेले और अच्छे स्कोर लाए, जिससे कि साउथ अफ्रीका के टीम को टक्कर दे सके। तो इसीलिए बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, अच्छा खेलिए और जो भी विनर रहेंगे, पाकिस्तान भी रहेगा तो भी अच्छा है, आप भी रहेंगे तो भी अच्छा है। बट पाकिस्तान के पब्लिक को, पाकिस्तान के जनता को, अगर पाकिस्तान जीतता है तो एक उम्मीद का, आशा का एक किरण आएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम, और दोनों खेलिए, आप दोनों को शुभकामनाएं। इंडिया टीम भाई, इंडिया की जो टीम है ना भाईजान, आप कहेंगे इंडिया की 200 बजा रहे, इनके ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, काम पे टांग जाते हैं, कैसे ऐसे 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 चलने लग जाते हैं। बेसिकली लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारे गुज़िश्ता, और कम से कम 300 या फिर 325 का टारगेट देना चाहिए, कम से कम, जो कि इनके लिए ख्वाब ही है वो होना कोई भी नहीं है। स्क्वाड नहीं कर रहा पाकिस्तान टीम तो, जब का स्क्वाड इन्होंने पब्लिश किया तो फिर मैच जीत जाएंगे। और अगर हम पहले हमारी बैटिंग होती है तो हमारे बॉलिंग नंबर वन है, लेकिन छनकना बड़ी होती है हमारी, छनकना वीक में वो रैंकिंग आती है। वेनसडे को वो जस्ट अपनी रैंकिंग के लिए काम है, वही तो छोटे मैचेस में नहीं खेल रहे उन्होंने, जो बड़े मैच आने हैं उनमें खेल रहे, वो पता नहीं अगले जन्म में आने मैच। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, बाबर आजम नहीं परफॉर्म करेगा। अफगानिस्तान से मार चुके तो साउथ अफ्रीका इज नॉट अ बिग डील। सर सिक्योरिटी नहीं देगी हमें, वीआईपी नहीं दी मुझे उधर, मेरा आने फिर आ रहे हैं इधर, ओटी में फिरता हूँ मैं। हाँ, करते हैं वो, अच्छा स्कोर खा भी रहे हैं, कल के मैच में भी पाकिस्तान जीतेगा ना, पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान ने इतना दिला हो, ये बात है। उसको हारना नहीं, उसको मार खाना कहते हैं, बहुत बुरी तरह मार खाना कहते हैं। ठीक है ना, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? सर मैं बाबर आजम का फैन को भी ऐसे ओटी के अंदर ड्रिफ्ट मार के एटीट्यूड दिखाता, मैं भी दिखा। अच्छा मैम, कल साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच है, मुझे बताएं आप एज अ पाकिस्तानी हो किसको सपोर्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान को? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी, लेकिन बेसिकली लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारे गुज़िश्ता मैचेस हुई हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से हार चुका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, इंडिया से हार चुका है, तो साउथ अफ्रीका का ऑब्वियसली बहुत बड़ी टीम है, उसका एक नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो साउथ अफ्रीका से। अच्छा आप मुझे बताएं, हमारी क्या लूज है, बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग, ये तीनों ही? तीनों तीनों लूज है, अगर इसकी वजह से हम हार जाएंगे कल। जी जी बिल्कुल। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर पहले पाकिस्तान हारा मैच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया से हम जीतेंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया हारेगा तो पाकिस्तान का जो है ना पॉइंट थोड़े ऊपर हो जाएंगे, पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर पाएगा, 4 मैचेस के बाद सेमीफाइनल में ऐड हो जाएगा। आप मुझे बताएं क्या सस्पेशन लगता है कल का मैच, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच? आपने देखा होगा जो अफगानिस्तान से हम मैच हारे हैं, वो उसको हारना नहीं, उसको बुरी तरह हारना कहते हैं, एक ऐसी टीम से हारे हैं जिस टीम,
जिस टीम को क्रिकेट हमने सिखाई, ठीक है, आपको पता होगा कि उनके कोचिंग जो के बॉलिंग कोच थे वो हमारे थे, उमर अकमल साहब थे, ठीक है, उनको बॉलिंग हमने सिखाई, हर चीज हमसे सीख के आज पाकिस्तान उनसे हारे तो कितने दुख वाली बात है। उसको हारना नहीं, उसको मार खाना कहते, बहुत बुरी तरह मार खाना कहते, ठीक है। अब हमारा कल एक दोबारा मैच है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन टफ टाइम देगा? भाई आपके सामने ही है जो परफॉर्मेंस हमारी है उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका विन कर चुका है ऑलरेडी, हम जीतना हार चुके हैं। हम तो लोगों से सवाल जो कर, लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की अगर पिछले बैकअप पे देखे तो पाकिस्तान काफी साउथ अफ्रीका से मैच जीता हुआ है, पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, हम पाकिस्तान जीतेगा, इतना मुमकिन भी नहीं है पाकिस्तान जीत कर। जरा देखें हमने स्टार्ट से ही अब तक पाकिस्तान की जो हमारी कम्युनिटी है, हमने मौजज़े और करिश्मों पे ही यकीन रखा हुआ कि यार शायद कल में भी हो जाए कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए, में भी साउथ अफ्रीका 250 का टारगेट दे दे, इस तरह की उम्मीद है। जब तक हम अपनी टीम में अच्छी चेंजिंग नहीं रखेंगे हम इस तरह की उम्मीदें किस तरह लगा सकते हैं, आप मुझे बताए ना, टीम वही की वही है, अभी तक वही प्लेयर्स हैं, ना कोई रिप्लेसमेंट हुई है, ना कोई चेंजिंग हुई है, तो फिर वही है कि हम नहीं जीत सकते इस चीज को, नहीं इसको चेस कर पाएंगे। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कल साउथ अफ्रीका कितना जो रन कर देगा और पाकिस्तान को चेस करना मुश्किल हो जाएगा? कल साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो कम से कम 350 प्लस स्कोर हमें टारगेट मिल जाना है आगे से, अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग बैटिंग स्टार्ट की फर्स्ट पे तो मींस के 250-280 से हम नहीं जा सकते हैं। फिर तो उनके जो अपने ही प्लेयर हैं वो अकेले ही उतना कर लेंगे भाई, वो ओपनर उनके पूरा कर लेंगे, स्टार्टिंग पे जो ओपनर आते हैं उनके वो पूरा कर लेंगे, सेंचुरी ऐसे मारी जैसे 10-20 स्कोर है भाई, वो तो उनके लिए पाकिस्तान के प्लेयर्स उनके आगे चलने ही नहीं है। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, श्रीलंका हम बांग्लादेश से अपना अफगानिस्तान से मार चुके तो साउथ अफ्रीका इज नॉट अ बिग डील। सर इंडिया की टीम टॉप वन पे इस टाइम क्योंकि सेमीफाइनल में गई हुई है, आप मुझे फेवरेट टीम भाई, फेवरेट टीम सर मेरी भी फेवरेट है, हम तो सबकी फेवरेट है, हम इसका सपोर्ट ही नहीं करे, जब का स्क्वाड आया मैं पर्सनली मैं सपोर्ट ही नहीं करा पाकिस्तान टीम को, जब का स्क्वाड इन्होंने पब्लिश किया है, कैसी है टीम सर, उन्होंने स्क्वाड और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, लव इंडिया टीम भाई, इंडिया की जो टीम है ना भाई जान, आप कहें कि इंडिया की टीम का तो लेवल ही और है इस टाइम, इंडिया जिस लेवल पे जा, रोहित शर्मा देखिए यार कैप्टन है, पता लगता है कैप्टन बोले बैटिंग करने आया हुआ है, कोई मैच ऐसा नहीं जिसमें 80-70 प्लस नहीं गया, सेंचुरी तक वो कर चुका है, हमारे देखे कैप्टन को 17-18 शादर नादर 70 इस पिछले मैच में किया उसने, वो तो उसने अपनी वो हर आपको पता है हर वीक में वो रैंकिंग आती है वेनसडे को, वो जस्ट अपनी रैंकिंग के लिए काम है, मैं वही आपको कह रहा हूँ, उनकी टीम खेलती है अपने टीम के लिए, इन मुल्क प्लेयर्स खेलते हैं जस्ट अपने लिए, अपनी रैंकिंग के लिए खेलते हैं, ठीक है यार हेटर्स बने आप टीम के लिए खेले, पता लगेगा टीम के लिए खेले हैं आप। अब लास्ट में कल मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा पाकिस्तान, यार हम पाकिस्तानी है, हमारी उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम पाकिस्तान जीतेंगे कल, साउथ अफ्रीका के ही जीत सकते। ओके सर बहुत शुक्रिया, अपना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? सर मैं बाबा फैंस को भी ऐसे ओटी के अंदर ड्रिफ्टे मार के एटीट्यूड दिखाता, मैं भी दिखाऊंगा, कम पल्ले कुछ नहीं है पर एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं आपको बता दूं मैं परफॉर्मेंस तो हमें हो ना हो। अच्छा मैच होने लगा है पाकिस्तान, वो छोड़ दे होने क्यों लगा मैच, अब भी रह गए मैच, अजय भी रह गए यार, कितनी मिस्टेक करवानी है। सॉरी बहुत। अच्छा सर मेरा सवाल है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है कल, ठीक है, कौन जीतेगा? सर भाई आप पूछ भी कैसे रहे हैं मुझसे, आपने मुझसे पूछा भी कैसे कौन जीतेगा, मतलब मैं पहले ऐसे कुछ उल्टा करके पूछूं, मैंने कहा था कि जी नेदरलैंड में आपने कर दे उस वाले मैच की बात नहीं करते, वो तो हम अल्लाह का शुक्र जीत गए, आगे आ गए बाकी इंडिया वाले से, सबने मैंने कहा पाकिस्तान जीतेगा, अब जब अफगानिस्तान वाले भी मैंने कहा पाकिस्तान जीते, अब रह गए जवाब के कौन जीतेगा, अब तो नजर आ रहा है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा ना, पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान ने इतना दिला हो जाएगा, मतलब यार वापस आ जाओ बहाना कर दिया, जब न्यूजीलैंड आई तो कहा था हमें सिक्योरिटी डर था हम जा रहे हैं, और तुम लोगों को भी तुम तो गए भी इंडिया हुए हो, तुम क्या हमें सिक्योरिटी डर था वापस आ रहे हैं, इज्जत बचा लो अपनी थोड़ी बचा लो, मतलब पेट पूट खराब करके ज्यादा खा लो कि हमारे पेट हम नहीं भाई, सिक्योरिटी डर बोलो हमें सिक्योरिटी नहीं देगी, हमें VIP सिक्योरिटी नहीं दी, मुझे उधर मेहरान में फिर आ रहे हैं, इधर ओडी में फिरता हूँ मैं, मैंने नहीं रही, मैंने नहीं। अच्छा चले कल का मैच आप मुझे बताएं क्या लगता है कौन परफॉर्म करें, किसी पे उम्मीदें रख सकते हैं आप, अगर आप फखर जमान को ऐड कर दिया हुआ है, सुनने में जुनेद वसीम जूनियर को भी ऐड कर दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं दोनों जी, बहुत ही बड़े मैच में खेलेंगे, ये तो छोटा मैच है इसमें नहीं खेलना है, उन्होंने जो बड़े मैच आने रेगुलर खेलने वो पता नहीं अगले जन्म में आने मैच या कब आने, लेकिन उन्हें खेलना आगे जाके, अभी नहीं इन लोगों ने खेलना। अच्छा
अब आप मुझे बताएं, जैसे कि साउथ अफ्रीका कितना कुछ देगा पाकिस्तान को टारगेट? पाकिस्तान को पहले बारी लेनी चाहिए साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका 400 कर रहा है वैसे, और बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है, तो अगर वो बैटिंग कर गए तो हम तो भाई गए खुडे लैंड। और अगर हमने बैटिंग कर ली तो फिर वो गए, क्योंकि वो हमारे बॉलिंग नंबर वन है। लेकिन छनकना बड़ी होती है हमारी, छनकना बॉलिंग छनकना। शुएब अख्तर कहता होता ना, वो क्या नाम है, फेंटा लगाता है, तो भाई वो उसने फेंटा लगाना जो हमें फेंटा लग चुका हुआ है भाई, उससे अफगानी ने फेंटा लगा दिया। बाकी हाँ, अगर पाकिस्तान करता भी है ना, और उनको कम से कम 300 या फिर 325 का टारगेट देना चाहिए, कम से कम, जो कि इनके लिए ख्वाब ही है वो होना कोई भी नहीं है। 200 पे जाकर इनके ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, काम पे टांग जाते हैं, ऐसे चलने लग जाते हैं 200 पे। ओके सर, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। सर कल का मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, मुझे बताएं आप किसको विन होता देखते हैं? जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। क्या वजह लगती है? मुझे पता है कि हम क्या ऐसा करें कि हम पाकिस्तान कल जीत जाए, हम क्या उसमें चेंजिंग ऐसे देखे हैं? अगर हम बाहर के जितने मैच हम खेल चुके हैं और जिससे हम हारे हैं मैच ज़्यादा, हमने कोई ऐसी कोई चीज़ उसमें कोई चेंजिंग कुछ नहीं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के रोहित शर्मा हर दफ़ा कोई ना कोई अपना खिलाड़ी चेंज करते हैं, मोहम्मद शामी को ले आते हैं, कभी वो सिराज अय्यर को ले आते हैं, कभी ठाकुर को ले आते हैं, वो अपने स्पिनर में कभी चेंजिंग करते हैं, कभी फास्ट बॉलिंग पे चेंजिंग करते हैं, इस पर क्या कहते हैं? वो सही करें, इससे हमें भी इमामुल हक को निकाल के फ़खर जमान को लेना चाहिए। ऐड हो गया फ़खर जमान, ऐड हो गया अहसन अली की जगह वसीम जूनियर ऐड हो गए। हाँ, अभी यही लगता है कि जो अगर परफॉर्म कर पाए तो फिर मैच जीत जाएंगे, और अगर हम पहले हमारी बैटिंग होती है तो हमें कम से कम 350 तो हम करना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में और 400 कर रहे हैं, और अगर पहले बॉलिंग होती है हमें जल्दी उनको आउट करना पड़ेगा, इसलिए इस वजह से हम मैच जीत जाएंगे। हाँ, मुझे बताएं कल किस पे ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं, कौन से आपको कल बैट्समैन लगता है कि यार ये परफॉर्म करेगा अच्छा? मेरे ख्याल से तो अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा है, अच्छी फॉर्म में, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेगा। अब्दुल्ला